नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले इराक के उत्तरी इलाके में स्थित इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया है। इसकी जानकारी कुर्दिश सिक्योरिटी सर्विस ने सबसे पहले दी। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के तलाश में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक दोपहर 2:30 बजे करेंगे विधायक दल की बैठक। नए सीएम का होगा फैसला। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार और सोमवार में फर्क ही खत्म हो गया। बीजेपी ने किया ऐलान, आज पार्टी में शामिल हो सकते हैं एक जानी मानी हस्ती। जम्मू कश्मीर के रजौरी के थाना मंडी इलाके में संदिग्ध घुसपैठिए और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो चुकी है, जहां आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। देश में बीते 24 घंटे में 28,591 नए कोरोना के मामले मिले, जहां 338 लोगों की जान चली गई है। देश भर के सभी राज्यों और यूटी में एक साथ आयोजित लोक अदालत में 33 लाख से ज्यादा मुकदमों पर हुई सुनवाई, आधे से ज्यादा का हुआ निपटान। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, कहा आप सभी खिलाड़ी ही नहीं देश के एम्बेसडर भी हैं। आज देश भर में होगी नीट की परीक्षा, उम्मीदवारों को एक घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ से रायबरेली के लिए हुई रवाना, वहां वे कांग्रेसी नेताओं के संग करेंगे बैठक। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 219 करोड़ की 106 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जैन समाज के पर्युषण पर्व के तीसरे दिन बिहार के गया में उत्तम मार्दव की हुई पूजा, अहंकार को त्याग करने का दिया गया संदेश। आम आदमी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हुआ गठन, सीएम केजरीवाल समेत 34 नेताओं को मिली जगह। पाकिस्तान से पंजाब के अमरकोट इलाके में बीती रात घुसा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। कृषि सुधार कानून पर चल रही सियासत के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी चुनौती, कहा पड़ोसी प्रदेश ने विधानसभा चुनाव को नजदीक देखकर 4 साल बाद गन्ने का भाव बढ़ाया है, जबकि हम बिना चुनाव के भी किसानों के गन्ने का भाव बढ़ाते आ रहे हैं। वीकेंड में मसूरी में बेपरवाह दिखे लोग, तो डीएम और एसएसपी ने लोगों से कान पकड़वा कर कोरोना नियमों का दिया हवाला। झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6800 जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जहां हाईकोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेजकर बताया कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी, उन्हें अगर कुछ कहना है तो जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 115.46 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए ग्राम खंडवा सेक्टर 39 में जमीन का चयन कर लिया गया है। फिल्म सिटी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इंदौर में महामंडलेश्वर राधा राधा बाबा को फोन पर नेपाल से मिली धमकी, छतरीपुरा थाने में लिखवाई शिकायत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे के दौरान उन्हें हिमाचल के खाने परोसे जाएंगे। मंडियाली और कांगड़ी धाम के अलावा देसी घी के साथ सिड्डू भी खिलाने की तैयारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 17 को विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के रजौरी के डोरीमान में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, मुठभेड़ है जारी। बंगाल की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर 30 सितंबर को मतदान होंगे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल। उड़ीसा के कटक में बारंग थाना अंतर्गत बेठुआ बस्ती में सामान्य बात को लेकर बाप ने अपने बेटे को गोली मार दी। फास्ट ट्रैक में चलेगा साकीनाका केस का ट्रायल, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी जानकारी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर मंथन है जारी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और नितिन गडकरी गांधीनगर में भाजपा कार्यालय पहुंचे।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के जाल में फंसकर राजस्थान के रेलवे पोस्ट ऑफिस से भारतीय सेना से जुड़ी सूचनाएं और दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजने वाले भरत बाबरी को 13 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एम्स में ट्विटर और एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर निकली वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aimsbbnagar.edu.in पर कर सकते हैं अप्लाई। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को सभी फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। ऐसे में आप अपने बच्चों को संतरे, गाजर, तरबूज, कीवी और चुकंदर का जूस दे सकते हैं। यह स्वादिष्ट भी है और सबसे ज्यादा विटामिन सी युक्त भी। IPL 2021 के बाकी बचे सीजन की तैयारी हुई शुरू। सभी खिलाड़ी पहुंचे UAE। 19 सितंबर से होगा मैच शुरू। कंगना रनावत ने ट्विटर पर रहने के दौरान हुई परेशानियों का किया खुलासा। कहा, हर दिन होती थी 200 से ज्यादा FIR। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।